आओ असी करते हाँ सत्तवीं जमात दे गणित दा अभ्यास 3.3। एक चित्र 1000 शब्दां दे बराबर दी जानकारी दिंदा है। जिस तरह तुसीं क्रिकेट मैच विच देखदे हो खिडारियां दी परफॉर्मेंस तुहानूं चित्र दे रूप विच दर्शाई हुंदी है। तुहानूं याद होवेगा आपां कट्ठे कीते हुए अंकड़ियां तों बारंबारता सारणी बनाई सी। इस तरीके नाल इकट्ठे किए हुए अंकड़िया असी छड़ग्राफ के रूप में भी दर्शा सकते हैं। सानू अंकड़िया समझना ते पढ़ना सौखा हो जाता छड़ग्राफ के रूप में। आओ इसकी वरतों देखिए। हेठ लिखे प्रश्नों का उत्तर देने लई चित्र 3.3 में दिते छड़ग्राफ का प्रयोग करो। सब तो पहला असी देखिए सानू केड़ा छड़ग्राफ दिता होया ते असी उसनू पढ़ना किस तरह है। देखियो चित्र 3.3 असी इस छड़ग्राफ नू हुण पढ़ना सीखन लगे हैं। सब तो पहला देखो सानू की दिता है। एक रेखा धरती दे समांतर है, इसनू बोलते हैं एक्स तुरा। एक्स तुरा जिहड़ी रेखा इस ते 90 डिग्री का कोण बना के उपर जा रही है इहनू बोलते हैं वाई तुरा। हुण एक्स तुरे उत्ते सानू की दिता है, कुत्ते बिल्लियां खरगोश चूहे ते होर जानवर ये सारे पालतू पशु है, इन्हां बारे जानकारी दित्ती है। वाई तुरे उत्ते दस्या सानू विद्यार्थियों की गिणती बारे, तो इहदा सिरलेख दिता जी विद्यार्थियों द्वारा पाले गए पशु। इहदा मतलब चित्र विच सानू दस्या है कि जिहड़े कुत्ते है किन्ने विद्यार्थियों ने पाले हुए है। जिवें देखो कुत्तियां वाला छड़ग्राफ आ बनिया होया है, ये बिल्कुल सामने वाई तुरे उत्ते संख्या 8 है। इत्थे मैं 8 लिखन लगा, इहदा मतलब 8 विद्यार्थी अजिहे है जिन्हां ने कुत्ते पाले है। बिल्लियां वाला छड़ग्राफ देखो, ये बिल्कुल सामने वाई तुरे ते संख्या 10 है विद्यार्थियों की, यानी कि 10 विद्यार्थी अजिहे है जिन्हां ने बिल्लियां पाली है। हुण खरगोश किन्ने विद्यार्थियों ने पाले है, इहदी उचाई बिल्कुल देखो जी सामने वाई तुरे ते 2 विद्यार्थियों ने खरगोश पाले है। चूहे वाला छड़ग्राफ है, इहदी उचाई देखो स्केल की वरतों नाल तुसी चाहो तां हल्का जा निशान भी लगा सकते हो। इत्थे देखो आ निशान 4 ते 6 दे अध दे विचकार है, यानी कि यह संख्या 5 है, तो ये सामने आ गया जी 5, यानी कि 5 विद्यार्थियों ने चूहा पाले है। इस तरह होर की उचाई देखो स्केल दे नाल बिल्कुल धरती दे समांतर रेखा लैके 2 ते 4 दे विचकार पॉइंट आ गया साढ़े कोले 3, यानी कि 3 विद्यार्थी अजिहे है जिन्होंने कोई होर पशु पालिया होया, कोई भी पालतू पशु। तो हुण सानू छड़ग्राफ पढ़ना आ गया, आओ हुण असी प्रश्नों के उत्तर दिंदे हां। तो साडा पहला प्रश्न सी किहड़ा पालतू पशु ज़्यादा हरमन प्यारा है। नोट करो जी सब तो उच्चा छड़ग्राफ बिल्लियां दा है, सब तो वध 10 विद्यार्थियों ने बिल्लियां रखियां, इस करके बिल्ली हरमन प्यारी पालतू पशु है। आंसर आ गया तुहाडा बिल्ली। किन्ने विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है, हुण देखो कुत्ते का छड़ग्राफ उहदे किन्नी उचाई है 8, यानी कि 8 विद्यार्थियों कोले कुत्ते है। तो किन्ने विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है, 8 विद्यार्थियों का, ये तुहाडा आंसर आ चुक्या। हुण असीं दूसरा प्रश्न देखते हाँ। छड़ग्राफ नूं पढ़ो जो कि एक किताबां दी दुकान तो 5 क्रमवार सालों में विकण वालियां पुस्तकां दी संख्या दर्शाउंदा है, तो अगे आने वाले प्रश्नों के उत्तर दिओ। चलो पहला आपां छड़ग्राफ पढ़ते हाँ। लो जी साढ़े कोल छड़ग्राफ मौजूद है। हुण सानू इस छड़ग्राफ बारे दस्या गया है कि 5 वख-वख सालों एक पुस्तकां दी दुकान ने किन्नियां किताबां वेचियां, उन्हां दी गिणती दित्ती है। नोट करो स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किताबा, यानी कि वाई तुरे के उत्ते, चलो मैं ये लाइन थोड़ी जी उपर खिंच दिना, तो यह तुहाडा वाई तुर है, ये तुहाडा एक्स तुर है। इंग्लिश में एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसनू बोलते हैं जी वाई एक्सिस। आ लाइन बिल्कुल इस तरह सीधी जा रही है, स्केल दे नाल तुसी ड्रॉ कर सकते हो। हुण नोट करियो 1999 देखो 1999 ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਪਲਾਟ ਕਰੋ।
नोट करो इत्थे तक तां हो गया अध, तां इह सानूं बिंदू जे इहनूं पूरे चार भागां च वंडीए तां तीन भाग कवर कर जांदा है, इत्थे पहुँच जांदा बिंदू। 100 तों लैके 200 तक पूरा 100 दा अंतर है इहनां विच। चार हिस्सों च वंडो, 25-25 दा माप आ गया, यानी कि 100 तों बाद पहला निशान 125, दूसरा निशान 150, तीसरा निशान 175, चौथा निशान 200 का हो गया। तो ये 175 किताबों शो कर रहे हैं। हुण देखो 1990 दे विच बिल्कुल सामने एक रेखा लगाओ, ये भी उस तरीके नाल देखो चार भागों में वंडिया जा रहा है। 400 तो 500 के विचाले, 400 तो 500 के विचकार साढ़े को चार बराबर टुकड़े हो चुके हैं, तो वंडन वाली किताबं सिर्फ 100 है, यानी कि हरेक निशान 25-25 किताबों दिखा रहा है। तो पहले निशान से इतने 400 किताब है, इतने 425, इतने 450, इतने 475 किताबा, यानी कि ये सामने इतने साढ़े को 475 किताब है। हूँ 1991 के सामने साढ़े को 300 किताबा आ गई। फिर 1992 दे विच उपर आ जाओ जी, सानू ये समांतर रेखा खंड पॉइंट प्लॉट करना पड़ेगा। उस तरीके नाल देखो ये बराबर दे चार टुकड़े हो जाएंगे, हरेक टुकड़ा 25 किताबों इंडीकेट कर रहा, निर्देशित कर रहा या दस रहा 25 किताबा बारे। तो 1992 का मुल पहले निशान उत्ते देखो 200 विच ये 25 किताबा जुड़िया, 225 होया कि 200 तो 300 के विचकार 100 किताबा आई हैं, तो बराबर चार टुकड़िया असी इनू वंड लिया, यानी कि हरेक टुकड़े 25-25 किताबा आ रही हैं। तो 1992 वाले छड़ग्राफ की उचाई किदे बराबर सी, 200 तो बाद पहले टुकड़े के बराबर, यानी कि 200 विच 25 किताबा होर जोड़िया, 225 किताबा बन गई। हुण 1993 के छड़ग्राफ की उचाई देखो, बिल्कुल सीधा आ जाओ जी सामने, रेखा बड़े ध्यानपूर्वक खिंचनी पैनी है, समांतर हो जाए। लो जी इत्थे नोट करो, ये बराबर दे चार टुकड़िया में वंडिया जाएगा। ये 600 तो चौथा हिस्सा, 500 तो 600 दे चार टुकड़े करते ना, हरेक टुकड़े च 25-25 किताबा है, तो ये चौथा हिस्सा घट है, यानी कि 600 विचों 25 किताबा घटा दीए तो 575 किताबा 1993 विच शो कीतियां गईयां। हुण सानू छड़ग्राफ पढ़ना आ गया ना, एक्स धुरे उत्ते धरती के समांतर जिहड़ी रेखा है उहदे उत्ते साल दर्शाए गए है, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993। वाई धुरे दे उत्तर उपर, यानी कि जिहड़ी रेखा एक्स धुरे दे उत्ते 90 डिग्री का कोण बनाती है, लंब है, उहदे उत्ते किताबां की संख्या दित्ती गई है। तो असी किताबां की संख्या इन्हां दे छड़ग्राफां दे उपर ही लिख दित्ती है। तो हुण दित्ते प्रश्नों के उत्तर दिने जी, आओ देखिए। हाँ जी, मेरा पहला प्रश्न है, कहिंदा साल 1989, 90 और 92 विच किन्नियां किताबां वेचियां। 1989 देखिए जी, 1989 विच विकियां किताबां जी 175। लो इहदा उत्तर लिख दिंदे आ, 1989 विच किताबां वेचियां 175। 1990 विच किन्नियां किताबां असीं पता कीतियां जी 475, ते 1992 विच किताबां 225। ये तुहाडा आंसर आ चुकिया। अच्छा, उस तो बाद दूसरा प्रश्न है, कहिंदा जी 475 किताबां किहड़े साल विच वेचियां। 475 आ देखो जी, 475 किताबां किहड़े साल विच है, 1990। तो साल 1990 विच 475 किताबां वेचियां, तो 225 किताबां किहड़े साल वेचियां, 225 1992 विच। तो लिख दो जी, 1992 विच 225 किताबां वेचियां। हुण तीसरा भाग पुछिया, किहड़े सालां विच 250 तों घट किताबां वेचियां। ग्राफ ते देखो जी, 250 तों घट, एक तां 1989 विच 175 किताबां, एक 1992 विच 225 किताबां। तो दो साल अजिहे है किहड़े किहड़े, 1989 ते 1992, जदों 250 तों घट किताबां वेचियां। ठीक है जी, ये साडा आंसर आ गया
1999 ਤੇ 1992 ਵਿੱਚ 250 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੇਚੀਆਂ। ਹੁਣ ਚੌਥਾ ਭਾਗ ਦੇਖੋ, ਚੌਥਾ ਭਾਗ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ 1999 ਵਿੱਚ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ। ਲਓ ਦੇਖੋ, 1999 ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਛੜ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਉਚਾਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਾਈ ਧੁਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿੰਦੂ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲਓ। ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1999 ਦੇ ਛੜ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਉਚਾਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਐਕਸ ਧੁਰੇ ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਰੇਖਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਾਈ ਧੁਰੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਓ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, 1999 ਵਾਲਾ ਛੜ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਚਾਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਐਕਸ ਧੁਰੇ ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਈ ਧੁਰੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੂਰੇ ਖਾਨੇ ਦਾ 3/4 ਭਾਗ ਹੈ, 3/4 ਖਾਨੇ ਦੇ 4 ਬਰਾਬਰ ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 3 ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੀ ਉਚਾਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਕੱਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਨੋਟ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ 100 ਪਲੱਸ, ਪਹਿਲੇ 100 ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪਹਿਲੇ 100, ਇਹਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਖਾਨਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ 100 ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 3/4 ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਲਓ। 4 × 4 4 × 25 100, 25 × 3 75, ਇਹ 175 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਦੇਖੋ 1, 2, 3 3/4 ਭਾਗ, ਆਹ ਚੌਥਾ ਟੁਕੜਾ ਸੀ, ਕੁੱਲ 4 'ਚੋਂ 3 ਟੁਕੜੇ ਆਪਾਂ ਚੱਕ ਲਏ, 3/4। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 6 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੜ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਓ। ਅੱਛਾ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕਾਲਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸ ਧੁਰੇ ਉੱਤੇ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਈ ਧੁਰੇ ਉੱਤੇ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਆਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗ੍ਰਾਫ ਕਾਪੀ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਸਲ ਨਾਲ ਡਰਾਅ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਰਹੇ ਪੈੱਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾਅ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਜੀ। ਦੇਖਿਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਐਕਸ ਧੁਰੇ ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਖਿੱਚੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਖਿੱਚੋ, ਸੋਰੀ ਐਕਸ ਧੁਰੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਖਿੱਚੋ ਇੱਕ ਰੇਖਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸ ਧੁਰਾ ਕਹਾਂਗੇ। ਲਓ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਖਿੱਚੋ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਈ ਧੁਰਾ ਕਹਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੂੜੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲਾਈਨ ਡਰਾਅ ਕਰ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ ਜਮਾਤ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰੇਖਾਵਾਂ ਕੱਟਦੀਆਂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੂਲ ਬਿੰਦੂ ਜਾਂ ਓਰੀਜਨ, ਉਹਨੂੰ 0 ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਓ, ਇੱਕ ਖਾਨਾ ਖਾਲੀ। ਅਗਲੇ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂਗਾ ਜੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਨਾਮ 25, ਫਿਰ ਇੱਕ ਖਾਨਾ ਖਾਲੀ, ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਨਾਂ 6ਵੀਂ, ਇੱਕ ਖਾਨਾ ਖਾਲੀ, ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਨਾਂ 7ਵੀਂ, ਇੱਕ ਖਾਨਾ ਖਾਲੀ, ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਨਾਮ 8ਵੀਂ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਖਾਨਾ ਖਾਲੀ, ਜਮਾਤ ਦਾ ਨਾਮ 9ਵੀਂ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਖਾਨਾ ਖਾਲੀ, ਜਮਾਤ ਦਾ ਨਾਮ 10ਵੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੜ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨਾ ਖਾਲੀ ਛੱਡਿਆ ਜਿੰਨੀ ਉਸ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨਾ ਭਰਨਾ ਉਸ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਵੀ ਉਨੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਰਾਬਰ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਲਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਖਾਨਾ ਭਰਿਆ ਇਹ ਖਾਲੀ, ਇੱਕ ਭਰਿਆ ਖਾਲੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਰਤੀਬ ਵੱਧ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸ ਧੁਰਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵਾਈ ਧੁਰੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਰਸਾਉਣੀਆਂ, ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਰਸਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਦੇਖਿਓ
घट्टो घट्ट साढ़े को विद्यार्थी है 80 तो वध तो वध जी 135 तो बहुत वधिया गल है। तुसी इन्हां लई पहला विचलन सीमा पता कर लो। देखो विचलन सीमा यानी कि सब तो वड्डा अंकड़ा माइनस सब तो छोटा अंकड़ा, 135 सब तो वड्डा है, 80 सब तो छोटा है, एक किन्ने का फर्क रह गया जी घटा के 55 का। जेड़े वाई धुरे ते निशान लाने होंगे है इन्हां दी घट्टो घट गिणती 5 रखनी होंगी है, तो वध तो वध 8 या 9। तो मैं हुण एक मोटा जिहा अंदाजा लाना कि जिहड़ा 55 है ये 50 तो 60 दे नेड़े है, आपां इस तो वड्डा चुन लैने आ 60। यानी कि मैं हुण जिहड़े अंकड़े दिखाने है उन्हां दी रेंज विचलन सीमा 60 तक है, यानी कि 60 दे विच विच मुल उन्हां दे वेरी करनगे, तो निशान किन्ने चुन ले जाण जे मैं इसनू किन्ने खाने बनावा। देखो जे तुसी 10-10 का फर्क लैंदे हो यानी कि 6 निशान लगाने हो तो तुहानू 10-10 दे मुल वाले 6 निशान मिल जाएंगे। जे मान लो तुसी 12-12 का मुल एक खाने दर्शाना चाहते हो तो या कह लो 5 खाने बनाना चाहते हो तो 5 नाल भाग कर लियो 12-12 दे मुल शो करनगे, पर 10 वाला मुल सौखा हुंदा है, इस करके तुहानू सौखा रहेगा जे तुसी 10-10 दे फर्क दे नाल निशान लगा लो। मतलब पहला निशान घट्टो घट अंकड़ा तुहाडा 80 है उत्थे रखो, फिर 10 का फर्क पा लो जी 90, फिर 100, 110, 120, 130 ते 140। बस हुण एक गल नोट करो, 0 तो लैके 80 तक सीधा किन्ने का फर्क है, 80 का फर्क है, 80 तो 90 तक सिर्फ 10 का फर्क है, 90 तो 100 तक 10 का फर्क है। तो पहले खाने विच सीधा 0 तो 80 दे पहुँच रहे हैं यानी कि 80 का फर्क पै गया, तो तुसी इत्थे भंग का निशान लगा लेना है। ये तुहानू देखण च जैड वर्गा लगेगा पर इहनू जैड नहीं कहिंदे, इहनू बोलदे आ जी भंग का निशान, भब्बे नाल भंग अंग्रेजी विच किंक बोलदे आ, KINK। अच्छा मैं हुण तुहानू दोबारा दस देवां कि मैं निशान किस तरह ले है। देखो विचलन सीमा मेरी आई सी 55, 55 दे नेड़े इस तों वड्डी सिफरां वाली संख्या 60 है, तो मैं अंदाजा लगाया जे मैं 6 निशान लावां तो 10-10 दे फर्क नाल मेरा 6 निशानां नाल काम सर जांदा है, 6 जां 7 नाल। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्योंकि 135 इस तों वड्डा है ना 130 तों, तो 7 निशानां नाल मेरा काम सर गया। तो ये निशाना की गिनती घट्टो घट 5 ते वध तों वध 7 होनी चाहिए, 8 या 9 होनी चाहिए है, तो उस हिसाब नाल इहनू मैं चुन लिया सी, एक अंदाजा लगता है सिर्फ इसका। लो हुण देखियो हुण पंजवीं दे साडे कोले 135 विद्यार्थी है, 130 ते 140 दे विचकार देखो 10 ही विद्यार्थी है साडे कोले ते 10 ही छोटे छोटे खाने है, तो 5 खाने गिन लो जी 1, 2, 3, 4, 5 आ रेखा जा रही है, इस नूं हेठां मिला दिओ जी बिंदू नूं, इधर भी छोटे 5 खाने चुन के देखो 130 तो बाद ये तुहानूं खाने नज़र आणगे, 130 तो बाद विच छोटे छोटे 10 खाने है, तो 130 तो बाद 5 खाने लो, 131, 132, 133, 134, 135 तो 135वें खाने के सामने बिंदुआं नूं हेठां मिला दिओ, तो स्केल दे नाल इहनूं बंद कर दिता मैं, तो ये मेरा मुल 135 नूं शो कर रहा है वाई धुरा। हुण इस तों बाद अगला 6वीं विच 120 विद्यार्थी है, तो 120 दे सामने आ निशान लगाओ, 120 दे बिल्कुल सामने इत्थे, तो इन्हां नूं मैं हेठां मिलाण लगा, एक सौ भी फिर 95 आएगा जी 90 ते 100 दे विचकार, 91, 92, 93, 94, 95 ऐदे सामने जी इत्थे, फिर उस तो बाद जी 8वीं 100, तो बिल्कुल 100 दे सामने आओ जी इत्थे,
फिर उस तों बाद जी नब्बे, नब्बे दे सामने आओ जी, इत्थे उस तों बाद दसवीं दे कॉलम च अस्सी है जी, अस्सी दे बिल्कुल सामने इत्थे। ये की है साड़ी जमातों शो किया जा रहा है, तो इत्थे लिखांगे असी जमात, ये विद्यार्थियों की संख्या है, लिख दियो विद्यार्थियों की संख्या। हुण नोट करो असी वाई धुरे ते एक इकाई किन्नी लई है, लिख दिए वाई धुरे उत्ते एक इकाई, एदे विच किन्ने किन्ने विद्यार्थी शामिल किए है, दस दस विद्यार्थी है। देखो अस्सी तो नब्बे, नब्बे तो सौ, दस दस का फर्क है, बराबर दस विद्यार्थी। सौ चो नब्बे घटाओ दस बच गए, नब्बे चो अस्सी घटाओ दस बच गए, तो यानी कि इन्हां दी मोटाई दस दस है, तो असी दस दस विद्यार्थी मतलब दूर निशान लए है, तो एक इकाई बराबर दस विद्यार्थी। ये सी तुहाडा तीसरे प्रश्न का ग्राफ। आओ हुण इहदे प्रश्नों के उत्तर देखिए। तो ए पार्ट है कहिंदा जी तुसीं किस प्रकार का स्केल चुनोगे, किस तरह का स्केल चुनोगे, स्केल चुनने लई सानू विजलन निजीमा ने साडी हैल्प की है, तो असी लिखांगे जी कि वाई धुरे उत्ते एक इकाई बराबर दस विद्यार्थी, ये तुहाडा स्केल हो गया जी, इकाई या स्केल। नंबर बी प्रश्नों के उत्तर देने हैं, किहड़ी जमात विच विद्यार्थियों की संख्या वध तो वध है, तो किहड़ी विच घट तो घट है। हाँ जी, किहड़ी जमात च सब तो वध विद्यार्थी है, पंजवीं च, तो घट सब तो किहदे च है, दसवीं च, लिख दिओ सब तो वध विद्यार्थी पंजवीं जमात विच हन, सब तो घट विद्यार्थी दसवीं जमात विच हन। आंसर आ गया। उस तों बाद यह सीगा जी पहला भाग, बी प्रश्न का दूसरा भाग, कहिंदा छेवीं जमात के विद्यार्थियों की संख्या अठवीं जमात के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात पता करो। लो छेवीं दे विद्यार्थी किन्ने है, ते अठवीं दे विद्यार्थी किन्ने है, गिनती करिए। छेवीं दे विद्यार्थी 120 है, अठवीं दे 100 है, 120 ते 100। हुण असी इन्हां दा पता करना जी अनुपात, अनुपात पता करन लग्गे देखो सानू रकम दे विच पहलां छेवीं दे विद्यार्थी कहा गया, तो असी छेवीं दे विद्यार्थियों की गिणती यानी कि 120 उपर रखांगे, अठवीं दे विद्यार्थियों की गिणती यानी कि 100 हेठा रखांगे। लो जी देखो 120 बटा 100 किहड़े सांझे भाड़ ते कट्टा जा सकता है, पिछे सिफर है, एक सिफर है सांझी, इधर भी एक सिफर यानी कि 10 दे भाड़ ते कट्टा जाएगा, 10 दे भाड़ ते कट्टना है, 10 12 120 10 आया, सो ये रह गया जी 12 बटा 10, फिर 2 छीके 12 2 5 10 यानी कि 6:5, जिहड़ा बटे का निशान है उन्होंने हटा के दो बिंदियां लगा दो जिहदा मतलब है अनुपात, तो हर है जिहड़ा हेठां वाली संख्या 5 वो इहदे नाल लिख दिओ, तो 6:5 है। आया प्रश्न समझ में, सौखा सी ना। आओ एक प्रश्न होर देखिए, हुण असी करन लगे हाँ जी चौथा प्रश्न, जिहदे विच सानू दोहरे छड़ ग्राफ की लोड़ पैनी है। आओ पहलां आपां रकम समझिए की है, देखियो एक विद्यार्थी दे पहले अते दूजे समेस्टर की कारगुजारी दिती हुई है, जिस तरह तुहाडे पेपर हुंदे है छमाही पेपर हुंदे है, तो उस तरह दो समेस्टर सी उन्हां दे विच बच्चे की कारगुजारी दिती हुई है। एक ढुकवां स्केल चुन के एक दोहरा छड़ ग्राफ खिचो अते दित्ते हुए प्रश्नों के उत्तर दिओ। लो पहला असी पढ़ना सीखिए इहनूं की चीज़ है, सानू पहला दिता हुआ जी विशा, जिवें अंग्रेजी है, हिंदी है, गणित है, साइंस है, तो समाजिक सिक्ख्या,
फिर पहले सेमेस्टर जिवें वध तो वध 100 अंक है, 100 चों इंग्लिश विचों आए हैं 67, दूजे सेमेस्टर च आए हैं जी 70, हिंदी विच पहले सेमेस्टर दे 72 अंक है, देखो पहले सेमेस्टर दे सामने अंक पहले सेमेस्टर दे है, हेठां 65 अंक होए हैं जी दूजे सेमेस्टर च, इत्थे अंक घट चुके हैं। गणित विच 88 अंक सीगे पहले सेमेस्टर दे, 95 अंक है जी दूजे सेमेस्टर दे, सब तो वध फायदा होया 7 अंक वध गए बच्चे दे, 88 सी हुण 95 हो गए, 7 वध चुकी है। विज्ञान विच पहले सेमेस्टर च 81 अंक सी, हुण 4 अंक वध के 85 हो चुके हैं दूजे सेमेस्टर च, इस च भी बच्चे दे अंक वध गए 4 वध गए। समाजिक सिक्ख्या च पहला 73 अंक सी, हुण दूसरे सेमेस्टर विच 75 हो चुके है, इस च भी 2 नंबर वध गए। तो हुण ढुकवां स्केल चुन के दोहरा छड़ ग्राफ खिंचना है, तो हेठां दित्ते हुए प्रश्नों के उत्तर दिओ। लओ देखिए, अच्छा पहला तो देखो इन्हां चों घट तो घट अंकड़ा किन्ना है, 67, वध तो वध अंकड़ा किन्ना है 95। तो असी चौथे प्रश्न नूं करन तो पहला इहदी विचलन सीमा पता कर लईए, चलो इत्थे पता करदे हां जी विचलन सीमा। देखियो चौथा प्रश्न, ये सानूं काम देगा विचलन सीमा, विचलन सीमा जिन्हों आप इंग्लिश दे विच रेंज भी बोल दिने आ, सब तो वड्डा अंकड़ा माइनस सब तो छोटा अंकड़ा। सब तो वड्डा अंकड़ा आया जी साढ़े को 95, तो सब तो छोटा अंकड़ा जी 67। अच्छा हुण देखियो घटा के देखिए, 95 चो 67 घटाइया, 5 चो 7 जांदा नहीं हांसल लेना पएगा जी, 15 चो 7 गया 8 बाकी, इत्थे बच गए 8, 8 चो 6 गए 2। हुण नोट करो विचलन सीमा तुहाडे कोल आ चुकी है जी 28। हुण साडी विचलन सीमा आई है जी 28, 28 नूं आपां राउंड ऑफ कर दईए, इहदे नेड़े सिफला सिफरां वाली रकम उह 30 बनदी है। तां मान लो बई ये मेरे को 30 बंदे है, इन्हों मैं घट तो घट 5 कारां च बिठाना है, ते वध तो वध 8 कारां च बिठाना है, क्योंकि वाई धुरे ते घट्टो घट निशान 5 लगते हैं, वध तो वध 8 लगते हैं, तो मैनू गिणती भी सौखी रह जाए, गणना भी सौखी रह जाए, तो इनू किन्ने दे भाग करके देखा। देखो जे मैं 5-5 बंदे बिठा लाँ एक कार च, मान लो 5-5 बंदे, तो 5×6=30, यानी कि 6 कारां च काम सौखे आ सरजू, तो 5 बंदे सानू बिठाने भी सौखे हो जाएंगे। क्यों सौखे होंगे? क्योंकि हरेक खाने के 10 छोटिया डब्बिया है, तो जे तुसी 5 बंदे लौंगे एक खाने 5 बंदे, तो हरेक दे हिस्से 2-2 डब्बिया आ जाएगियां, अंदाजा लाना बिल्कुल सौखा है। इस करके मैं इन्हां 30 बंदियां नूं 5-5 दे हिसाब नाल 6 खानियां विच वंड दूंगा। गल समझ आई जी? विचलन सीमा मेरी 30 सी, 28 सी, 28 ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਪਾਂ ਰਾਊਂਡ ਆਫ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਿਫਰਾਂ ਵਾਲੀ ਰਕਮ 30 ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਅਸੀਂ 30 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 8 ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ 5-5 ਬੰਦੇ ਬਿਠਾ ਦਾਂ ਇੱਕ ਕਾਰ 'ਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ 5 'ਤੇ ਭਾਗ ਕਰ ਲਾਂ, ਤਾਂ 6 ਕਾਰਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। 5 'ਤੇ ਭਾਗ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੌਖਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਾਂ ਦੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਵੱਡੇ ਖਾਨੇ 'ਚ 10 ਛੋਟੀਆਂ ਡੱਬੀਆਂ। जे 5 बंदे है तो हरेक दे हिस्से 2-2 डब्बिया आ जाएगियां, तो मैं कैलकुलेशन करनी सौखी हो जूगी। तो ठीक है जी, आपां 5-5 का गैप दे के निशान लगा लें। लो देखो हुण किस तरह लगेगा जी। सब तो पहला एक रेखा धरती दे समांतर खिंच लीए, एक्स धुरे का नाम देना है। असीं देखियो एक्स धरती दे समांतर एक रेखा खिंची जी, ते एक रेखा उस ते लंब खिंची। ਹੁਣ ਨੋਟ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਹਿੰਦੀ, ਗਣਿਤ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਲਮ ਖਾਲੀ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਭਰਿਆ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਘੱਟ ਜੇ,
इस करके इत्थे मैं लिखदा जी, टेढ़ा करके लिख दिंदा विषय का नाम, पहला अंग्रेजी, दूसरे विषय का की नाम है जी हिंदी, एक खाना खाली छड़िया जी, तीसरे का नाम गणित, चौथे नंबर पर है जी विज्ञान, उस तो बाद है जी समाजिक सिक्ख्या, लो जी हुण देखो घट्टो घट अंक साढ़े कोले सी जी 67, तो 67 तो छोटी असी रकम चक लैने, 65 70 75 80 85 90 95, जे 8 की जगह पर मान लो 9 कॉलम भी बन जाए तो बहुता फर्क नहीं पैंदा। हुण एक गल नोट करो, मेरे को छड़ ग्राफ दोहरा है तां वी मैं एक खाना खाली एक भरिया, एक खाली तो एक भरिया लिया। हुण भरे खाने दे विच मैं 2 सेमेस्टर दिखाने है, तो ये देखो छोटिया 10 डब्बिया है तो 5 डब्बिया, अद्धे खाने च पहला सेमेस्टर अद्धे च दूजा सेमेस्टर दिखाऊंगा। किस तरह देखो अंग्रेजी विच है जी मेरे को पहले नंबर पर 67, अंकड़ा 67 है तो 65 तो इतों तक नंबर पहुँच गए, 65 अंक, 2 अंक होर चाहिए है। हुण नोट करो 65 तो लैके 70 तक 5 का फर्क है, अंक है 5 पर डब्बिया है 10, यानी कि एक अंक नूं किन्नियां डब्बिया मिल गई, 2 डब्बिया। जिवें 5 बच्चे है तो हरेक को 10 टॉफिया है, सॉरी 5 बच्चे है तो उन्होंने कुल 10 टॉफिया है, तो एक बच्चे को किन्नियां टॉफिया हो गई, 2 टॉफिया। उस तरह अंक 5 है तो विच डब्बिया 10 है, यानी कि हरेक अंक को 2 डब्बिया है। तो 65 तो बाद मैं 67 अंक दिखाना है, 65 आ चुके हैं, 66 तो 67 यानी कि 2 अंक होर है, तो एक अंक दियां डब्बिया 2 है, तो 2 अंकों दियां डब्बिया किनिया हो गई जी 4, तो गिण के 4 डब्बिया तो बाद चौथी डब्बी आ पई जी थोड़ी, गिनती कर लो चौथी डब्बी, तो चौथी डब्बी तक हेठा जॉइन करवा दिओ जी, लो ये 67 नूं शो कर रहा है। हुण दूजे सेमेस्टर च अंक है जी 70, 70 तो बिल्कुल सीधा ही है साढ़े कोले सामने आ। हुण एक गल का फर्क पै रहा, देखो आ 67 ते आ 70, ये बहुत बरीकी नाल तुहानूं समझना पैना, मैं दोबारा समझाउण लगा। देखो मेरे कोले 65 तो लैके 70 तक 5 अंक है, 65 तो 70 तक 5 अंक, पर डब्बिया मेरे को 10 है, तो एक अंक के हिस्से 2 डब्बिया आ गई। जिमें 5 बच्चे होण तो उन्होंने हत्थों कुल 10 टॉफिया है, तो हरेक के हिस्से किनिया आई, 2 टॉफिया, 10/5 2 टॉफिया। तो उस तरह 5 अंक है तो 10 छोटिया डब्बिया, यानी कि एक अंक के 2 डब्बिया आ गई, तो मैनू चाहिए सी 67 अंक, 65 लई तो मेरे को लाइन जाई रही है, 2 अंक होर चाहिए है, एक अंक को 2 डब्बिया, तो 2 अंकों को 2 ते 2 4 डब्बिया हो गई, 4 डब्बिया गिन के मैं उपर आ गया 67, 70 के सामने तो आ डब्बी सीधी है। हुण नोट करो पहला सेमेस्टर तो दूजा सेमेस्टर दोनों के अंक वखरेवें है, अलग अलग है, तो इत्थे तुसीं रंगीन लाइन ड्रॉ कर देनी है, या पेंसिल दे नाल ही इसनों थोड़ा जा लाइना ड्रॉ करके अलग बना दियो, पता लग जाए पहला सेमेस्टर है। हुण हिंदी दे विच असी शो करने हैं जी पहले सेमेस्टर के अंक 72, दूजे के 65। अच्छा दूजे सेमेस्टर का तो काम बिल्कुल ही सौखा है, 65 अंक तो आ गए जी इतों तक, पैंठ वाला तो काम हो गया साढ़े को ख़त्म। असी दिखाने पहले सेमेस्टर 72 अंक, 72 लई देखो जी 70 के सामने, इतों तक तो असी पहुँच गए, इतों तक 2 अंक होर चाहिए है। हुण एक अंक के सिर डब्बिया आ रही 2, तो दोवां के सिर डब्बिया कि आ गई 4, गिण के 1 2 3 4 चौथी डब्बी पर पहुँचो, इनू हेठा जॉइन करवा दो, लो जी इनू मिलाओ तो ये तुहाडे 72 अंक आ गए। उस तरीके नाल हुण क्योंकि पहला सेमेस्टर है तो असी ऐसी जिहड़ी छड़ है थोड़ी जी वखरेवें वाली रखनी है, तो असी स्केल दे नाल इस छोटिया छोटिया रेखावां खिंच दिंदे आ। हुण नोट करो तीसरे नंबर पर साढ़े कोल विशा गणित है, गणित के अंक किन्ने है जी
ਪਹਿਲਾਂ 88 ਤੇ ਫਿਰ 95। 88 ਲਈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। 95 ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੌਖਾ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, 95 ਦੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ। ਚਲੋ 95 ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਹੀ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਅੰਕ ਹੈ 95। ਹੁਣ ਦਿੱਕਤ ਆ ਗਈ, ਪਹਿਲੇ ਸਮੈਸਟਰ 'ਚ ਮੈਂ 88 ਅੰਕ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। 88 ਨੋਟ ਕਰੋ, 88 ਅੰਕ। ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ ਪਹਿਲੇ ਸਮੈਸਟਰ 'ਚ 85 ਅੰਕ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? 3 ਅੰਕ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। 85 'ਚ 3 ਜੋੜੇ 88, ਇੱਕ ਅੰਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆ ਰਹੀਆਂ 2 ਡੱਬੀਆਂ, ਅਤੇ 85 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 88 ਬਣਾਉਣ ਲਈ 3 ਅੰਕ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤਾਂ 3 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਡੱਬੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ? 3 × 6 ਡੱਬੀਆਂ। 6 ਡੱਬੀਆਂ ਗਿਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਦਵੋ। ਲਓ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾ ਦਿਉ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 88। ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸਮੈਸਟਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਲਈ ਆਪਾਂ ਛੜ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਖਾਲੀ ਖਾਨਾ ਉਹਦੀ ਚੌੜਾਈ ਵੀ 10 ਡੱਬੀਆਂ, ਭਰਿਆ ਖਾਨਾ ਉਹਦੀ ਚੌੜਾਈ ਵੀ 10 ਡੱਬੀਆਂ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 5 ਡੱਬੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੀਆਂ, 5 ਡੱਬੀਆਂ ਦੂਜੇ ਸਮੈਸਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜੀ ਵਿਗਿਆਨ। ਪਹਿਲੇ ਸਮੈਸਟਰ 'ਚ ਅੰਕ ਹੈ ਜੀ 81 ਅਤੇ ਦੂਜੇ 85। 81 ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, 80 ਤੋਂ ਇੱਕ ਅੰਕ ਵੱਧ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਕ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 'ਚ 2 ਡੱਬੀਆਂ। ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ 2 ਡੱਬੀਆਂ ਉੱਪਰ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ ਇਸਨੂੰ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਅੰਕ 81। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਸਮੈਸਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਲਾਈਨਾਂ ਡਰਾ ਕਰਤੀਆਂ, ਦੂਸਰੇ ਸਮੈਸਟਰ 'ਚ ਅੰਕ ਹੈ ਜੀ 85। 85 ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਰੇਖਾ ਆਈ ਹੋਈ ਆ। ਦੇਖੋ 85 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਹ ਰੇਖਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, 85 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਹ ਗੂੜੀ ਰੇਖਾ, ਇਹਨੂੰ ਡਰਾ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਥੱਲੇ ਤੱਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਸਮੈਸਟਰ 'ਚ ਅੰਕ ਹੈ ਜੀ 73। ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖਾਨਾ 70 ਅੰਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਪਿਆ ਜੀ ਗੂੜੀ ਰੇਖਾ। 3 ਅੰਕ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਅੰਕ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ 2 ਡੱਬੀਆਂ, ਤਾਂ 3 ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਜੀ 6 ਡੱਬੀਆਂ। ਲਓ ਜੀ 6ਵੀਂ ਡੱਬੀ ਗਿਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਇਹ ਆ ਗਏ ਜੀ 73 ਅੰਕ, ਦੂਜੇ ਸਮੈਸਟਰ 'ਚ 75 ਅੰਕ। ਲਓ ਜੀ 75 ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾ ਦਈਏ। ਹੁਣ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਲਕੀਆਂ ਹਲਕੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਈਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੱਬੀ ਪਾ ਕੇ, ਬਈ ਪਹਿਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਅੰਕ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੀ ਡੱਬੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਅੰਕ ਹੈ। ਅੰਕ ਭਾਈ 100 ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਵਿਸ਼ਾ, ਵਾਈ ਧੁਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਲ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ 100 ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕ, 100 ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੌਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਦਈਏ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ? ਆਹ ਦੇਖੋ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ 88 ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ 7 ਅੰਕ ਵੱਧ ਕੇ 95 ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਜੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੈਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਗਏ, ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਣਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ 88 ਤੋਂ 95, ਯਾਨੀ ਕਿ 7 ਨੰਬਰ ਵਧੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਿਖ ਦਈਏ ਗਣਿਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਧਾਰ ਹੈ, ਆ ਗਿਆ ਆਂਸਰ। ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ, ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ 67 ਤੋਂ 70, ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅੰਕ ਘਟੇ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ 'ਚ 81 ਤੋਂ 85 ਹੋ ਗਏ, 4 ਅੰਕ ਵੱਧ ਗਏ,
समाजिक सिक्ख्या 73 सी हुण 75 हो गए, 2 अंक वधी है, यानी कि सब तो घट अंक वधी है। इस करके समाजिक सिक्ख्या विच सुधार सब तो घट है। हुण तीसरा भाग देखो कि किसे विषय विच कारगुजारी हेठां डिगी है, बिल्कुल हिंदी विच क्योंकि नंबर घट गए, सो कारगुजारी, कारगुजारी मतलब तुहाडी परफॉर्मेंस, कारगुजारी हेठां डिगी है। आ गया आंसर, इत्थे नोट करो वाई तुरे दे उत्ते पहला निशान असी 65 अंकां ते लिया, दूसरा 70 अंकां ते, 0 तो सीधा 65, किन्ने दा फर्क पै गया 65 दा, 65 तो 70 5 दा गैप है, 70 तो 75 5 दा गैप है, तो पहले कारने च गैप वध होण करके असी भंग दा निशान या किंक लगा देवांगे। एक गल होर नोट करो, वाई धुरे ते असी स्केल किहड़ा लिया, वाई धुरे ते एक इकाई बराबर 5 अंक लिया। आओ हुण असी पंजवां प्रश्न करदे हां, पंजवें प्रश्न च देखो सानूं की दित्ता है। किसी कलोनी च कीते सर्वेखण तो प्राप्त अंकड़ियां ते विचार करो। इत्थे सानूं दित्ता जी मनपसंद खेड है, हेठां दित्ता भी उस खेड नूं किन्ने बंदे वेख रहे हैं ते किन्ने बंदे उस खेड विच भाग लै रहे हैं। जिवें क्रिकेट है, 1240 व्यक्ति तां क्रिकेट वेख रहे हैं ते 620 उस नूं खेड रहे हैं। बास्केटबॉल 470 बंदे वेख रहे हैं, 320 उस विच भाग भी लै रहे हैं, यानी कि खेड के देख रहे हैं। इस तरह साढ़े कोल 5 खेडां दित्तियां, क्रिकेट, बास्केटबॉल, तैरना, हाकी ते दौड़ा। एक पासे सानूं लोगों की गिणती दसी है कि किन्ने लोग सिर्फ उस खेड नूं वेख रहे हैं ते हेठां दित्ता किन्ने उस विच भाग लै रहे हैं, यानी कि खेड रहे हैं। तो इस भी सानूं देखो जी दोहरा छड़ग्राफ बनाने की लोड़ पएगी। देखिए इन्हां ने क्या की है, छड़ग्राफ लिखे है, बिल्कुल जी ढुकवां स्केल चुन के दोहरा छड़ग्राफ खिंचो तो इस छड़ग्राफ तो तुसीं की सिट्टा कढ़ दिओ। चलो सिट्टा तो बाद की गल है, पहला छड़ग्राफ खिंचिए। इत्थे नोट करो जे विचलन सीमा कढ़ो तुसीं, सब तो वड्डा अंकड़ा 1240 है, सब तो छोटा अंकड़ा 105 है, तो लार्जेस्ट माइनस समालेस्ट, सब तो वड्डे अंकड़े जो सब तो छोटा अंकड़ा घटाओ 1135 का फर्क है, सिफर वाली रकम इस दे नेड़े पूरी बनती है जी 1200। हुण देखो जे तो तुसीं 200 का गैप रखो तो 6 निशाना विच ही तुहाडा काम सर जाएगा, पर क्योंकि अंकड़े बहुत ज़्यादा बरीक है जिवें 470 320 105 510, तो जे तुसीं 200 का गैप रखोगे तो यह बरीक जे अंकड़े निशान लगाना बहुत औखा होएगा। तो इस करके आपां की करते हैं अंदाजे नाल 100-100 का गैप रख दें तो देखो कितना सौखा हो जाएगा। हालांकि इस नाल साडी जिहड़ी शर्त हुंदी है भी घट्टो घट 5 ते वध तों वध 8 निशान लाओ, वो पूरी नहीं हो रही क्योंकि साढ़े कोल तां इधर 13 निशान लग गए, पर फिर भी बहुत बरीकी का काम है तो गलती तो बचने लिए असी ये क्वेश्चन दे विच निशाना की गिणती 8 तो वधा के करन लगे हाँ। लो जी देखो हुण 0 तो 100, 100 तो 200 सारे मतलब निशाना च आपसी गैप बराबर है, सो इत्थे किंक या भंग नहीं लगेगा, 100-100 का गैप सारे कितने बराबर है। तो वाई धुरे उत्ते असी एक इकाई के लिए है 100 लोगों की। हुण आओ असी ग्राफ ड्रा करिए, वेखण वाले जिहड़े लोग है उन्हां नूं असी खाली दे नाल शो कर देंगे तो जिहड़े भाग लै रहे है उन्हां नूं असी विच लाइना लगा के शो कर देंगे। लो जी सब तो पहला 1240 व्यक्ति है जिहड़े वेखना पसंद करते हैं, नोट करो 1240 क्रिकेट के कॉलम च 1200 आ पिया जी, 1200 तो लैके 1300 तक 100 का गैप है, यानी कि 100 लोग आए हुए है, पर डब्बिया 10 है, यानी कि 100 लोगों को 10 डब्बिया है, तो एक डब्बी किन्ने लोगों को आ चुकी है 10 लोगों को, 1240 का मतलब है 4 डब्बिया उपर पहुँच जाओ, 1210 1220 1230 1240। लो जी हुण इहनूं मैं हेठां जॉइन करता, डबल बार ग्राफ है सो अधे हिस्से च ही आ शो करना पएगा मैनूं, इहनां नूं जॉइन करो तो यह तुहाडा आ चुकिया जी 1240। उस तो बाद जी हेठां भाग किन्ने लोग लै रहे हैं 620, 600 तो बाद 2 डब्बिया उपर चले जाओ, ये आ गया जी तुहाडा 620 वाला मुल, इहनूं हेठां जॉइन कर दिए
फिर बास्केटबॉल 470 लोग, 400 दे सामने 400 पूरा, फिर 7 डब्बियां गिलो जी, क्योंकि एक डब्बी विच 10 लोग आ रहे हैं, तो 7वीं डब्बी ते जाके साडा 470 लोग पूरा शो हो जाएगा। इनू ज्वाइन करो 470। उस तो बाद 320 लोग है, पूरा 300 तो उपर दो डब्बियां होर 320। फिर उस तो बाद जी तैरन वाले विच 510 लोग है, तो तैरन वाले खाने 500 तो बाद एक डब्बी वध, फिर जी 320 ली, फिर हेठा उही अंकड़ा 320। उस तो बाद साढ़े कोले हाकी चा जी 430 व्यक्ति, हाकी दे कॉलम दे सामने चलो 400। हुण देखो 400 ते 500 दे विचकार यानी कि 100 लोगों लई 10 डब्बियां है, यानी कि 10 लोगों लई एक डब्बी होगी 100 नूं 10 ते भाग करके, तां असी अंकड़ा सिद्ध दिखाना जी 430, तो 400 तो बाद 3 डब्बियां असी उपर होर चले गए। उस तो बाद जी 250, ये बिल्कुल सौखा है, 200 तो बाद 5 डब्बियां उपर 250, फिर उस तो बाद फिर 250 दौड़ां वाले खाने च 250, 200 तो उपर 5 डब्बियां, फिर 105। हुण 105 ते देखो, हुण नोट करो असी दौड़ां वाले खाने विच भाग लैण वाले लोगों की गिणती दिखानी है 105। 100 दे सामने साढ़े कोले 100 लोग तो इत्थों तक आ चुके हैं। हुण जिहड़ा एक वड्डा खाना है उस च 100 लोग है ते 10 डब्बियां है, यानी कि एक डब्बी विच 10 व्यक्ति आ गए, पर सानू चाहिए जी 105 व्यक्ति। तो जिहड़ी ये पहली डब्बी है ये 10 व्यक्तियों शो करती है, तो यदा अद्धा हिस्सा 5 व्यक्तियों शो करेगा ना। तो हुण जरा ध्यान नाल नोट करियो, हुण मैं की करांगा दौड़ां वाले खाने दे विच 100 व्यक्ति इधर पए है, इत्थे है जी 110 व्यक्ति। मैं पहली डब्बी दे अध दे विच बड़ी बरीक जी लाइन लगान लगा, अध दे विच ध्यानपूर्वक देखो, तो ये मेरा 105 नूं शो कर जाएगा। हुण मैं इसनों ज्वाइन करता जी, तो ये 105 व्यक्तियों नूं शो कर चुके हैं। हुण देखो भाग लैण वालियां दी गिणती है, असी स्केल नाल रंगीन लाइनां विच ड्रॉ कीतियां हुई हैं, लो तां भाग लैण वाले व्यक्तियों दे जिहड़ा है हिस्सा उसनों असी स्केल दे नाल लाइना नाल शो कर दिंदे आ, तां तुहाडा दोहरा छड़ ग्राफ तैयार हो चुका है। पर सानू पुछे गए प्रश्नों के उत्तर भी देने पैने हैं, देखते हैं जी हुण किहड़े प्रश्न पुछे गए आ, आओ असी उन्हां दा उत्तर दईए। एक गल होर नोट करो, देखो एक खाना खाली है एक खाना भरिया है, एक खाना खाली है एक खाना भरिया है, तो जिहड़ा भरिया खाना है उहदा अद्धा हिस्सा वेखण वाले व्यक्तियों का है तो अद्धा हिस्सा भाग लैण वाले व्यक्तियों का है, ठीक है। लो जी हुण प्रश्नों के उत्तर देखिए की पुछया गया साढ़े तो, पंजवां प्रश्न कहिंदा ढुकवां। लो जी पहला प्रश्न है, एक ढुकवां स्केल चुन के दोहरा छड़ ग्राफ खिंचो, असी खिंच चुके हाँ, ये छड़ ग्राफ तो तुसी की सिट्टा कढ़दे हो। लो जी देखियो सानू पता लगता है छड़ ग्राफ दे विच भई जिहड़े लोग खेड वेख रहे हैं सिर्फ उन्हां दी गिणती वध है ते भाग लैण वालियां दी गिणती घट है, तो साडा सिट्टा की हो गया कि वेखण वालियां दी गिणती भाग लैण वालियां तों वधेरे है। कहिंदा किहड़ा खेड सब तो वध हरमन प्यारा है, दूसरा प्रश्न। हरमन प्यारा मतलब जिहनूं सब तो वध पसंद करदे आ लोग। ग्राफ देखो किहदा वड्डा है सब तो, क्रिकेट दा, तां क्रिकेट दा खेड सब तो वध हरमन प्यारा है। फिर तीसरा भाग है, खेडां नूं वेखना ज़्यादा पसंद किया जाता या उन्हां च हिस्सा लेना। लो जी सानू ग्राफ तो ही क्लीयर है कि वेखण वाले लोगों की गिणती वध है, हिस्सा लैण वाले लोगों की गिणती घट है, तो लिख दिंदे आ जी उत्तर, असी वेखना वधेरे पसंद है।
सब तो वध हरमन प्यारी खेड क्रिकेट है ते वेखण वाले लोगों की गिणती भाग लैण वाले लोगों तो वध है। एक प्रश्न है जी छेवां, ये तुसी खुद ट्राई कर लेना, बहुत सौखा हो जाएगा।